हम आप लोगों को एक बात बताए थे कि कोई भी जो आग जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है ना, ये बात बताए थे ना। आज हम उसी चीज का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, कि बिना ऑक्सीजन के कोई आग नहीं जल सकता, ठीक है। अब चलिए, तो सबसे पहले हम इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको, इस मोमबत्ती को लेकर के हम इस पर मतलब एक जगह स्थिर करेंगे, उसके बाद हम इस गिलास से क्या करेंगे, उसको ढकेंगे, ठीक ना, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, क्या ये जलता है या फिर बुझ जाता है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले क्या किए, मोमबत्ती को स्थिर कर लिए, करने के बाद हम इस मोमबत्ती को जला लेते हैं, ठीक है, इस मोमबत्ती को जला लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमने क्या किया कि इस मोमबत्ती को जला लिया ना, मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है। मोमबत्ती क्यों जल रहा है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन से पोषण लेकर के, ठीक ना, और इसको क्या कर रहा है, जला रहा है, ठीक ना। लेकिन अगर हम क्या करें यहाँ पर कि अगर ऑक्सीजन को रोक दें, क्या कर दें, रोक दें ऑक्सीजन को, हम रोक दें और रोकने के बाद देख क्या ये आग जलेगा या फिर नहीं जलेगा, ये चीज को हमको देखना है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं कंची की, इस गिलास की मदद से हम इस ऑक्सीजन के चारों तरफ को हम रोक देंगे, जब इसको हम ढकेंगे तो ऑक्सीजन का जो इससे जो पोषक मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या ये विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है कि नहीं जलता है, ठीक है। हम यहाँ पर बंद कर दिए, आप देखेंगे कि ये तब तक जलेगा जब तक इस गिलास में ऑक्सीजन है, बुझ गया ना। तब बुझ जाने का मतलब ये है कि थोड़े देर तक जला जब तक इस गिलास में ऑक्सीजन था, ठीक ना, और उसके बाद नहीं जला, समझ आ गया ना। तो इससे हमको ये पता चलता है कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई आग नहीं जल सकता, समझ आ गया।